गाइस, हम लोग वीडियो बनाने से पहले काफ़ी रिसर्च करते हैं और साथ में काफ़ी सेफ्टी का ध्यान भी रखते हैं, तो आप ऐसा घर पर ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। हेलो गाइस, मैं हूं जतिन चौधरी और मेरा यूट्यूब चैनल मार्किंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ इस तरह की बैटरीज है दोस्तों। इस बैटरीज को मैं आज आपको खोल के दिखाने वाला हूँ। इस बैटरीज के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है, वो आज आपको मैं सभी बैटरीज को खोल के दिखाने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों ये है हमारी नॉन रिचार्जेबल बैटरी, मतलब ये बैटरी जो चार्ज नहीं होती वो बैटरी है, जिसको हम सेल बोलते हैं, जिसको हम घड़ी में इस्तेमाल करते हैं वही है ये। ये डबल ए बैटरी है और ये हमारी मोबाइल की बैटरी है जो कि सैमसंग की है। ये लिथियम आयन बैटरी है, जिसको भी हम आज खोल के दिखाने वाले कि इसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है वही देखने वाले हैं। और ये भी लिथियम आयन बैटरी है, लेकिन ये हमारे पावर बैंक में और जो लैपटॉप की बैटरी आती है उसमें लगी हुई होती है। लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट की है, ये भी 3.7 वोल्ट की बैटरी है। ये जो बैटरी है NiMH बैटरी है। NI का मतलब होता है निकल और MH का मतलब होता है मेटल हाइड्राइड, तो इसका नाम है निकल मेटल हाइड्राइड। तो इसको भी मैं आज आपको खोल के दिखाने वाला हूँ। और ये मेरे पास ये लीड एसिड बैटरी है दोस्तों, चाइना की टॉर्च मिलते हैं मार्केट में हम सस्ती वाली 150-200-300 वाली, उसके अंदर इस तरह की लीड एसिड बैटरी यूज़ की जाती है। ये काफ़ी सस्ते में मिलती है और इसके अंदर एक लिक्विड होता है, उस यहाँ से लिक्विड डाल सकते हैं। और ये भी रिचार्जेबल बैटरी है दोस्तों, अगर ये बैटरी ख़राब हो जाए तो हम इसमें जो लिक्विड आता है एसिड उसको हम इसमें अंदर डालेंगे तो फिर इसके बाद चार्ज करेंगे तो ये फिर से ठीक हो जाएगी। ये चार्जेबल बैटरी होती है, तो मैं इसको भी खोल के दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहना। तो चलिए गाइस, मैं ये सारी की सारी बैटरी को स्टेप बाय स्टेप खोल के दिखाता हूँ। पहले मैं इस मोबाइल की बैटरी को खोल के दिखाता हूँ, उसके बाद इस बैटरी को खोल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो ये स्टिकर लगा है उसको खोल लेता हूँ। गाइस, ये चारों ओर से शील्डेड है पूरा, लगता है कि इसको मुझे काट के निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास गाइस इस तरह का हैक्सो ब्लेड है, जिसकी मदद से मैं इसको काटने वाला हूँ। तो गाइस, ये जो सैमसंग की बैटरी जिसको मैं खोला था, ये अभी भी चार्ज है, इसके अंदर अभी भी 3.7 वोल्ट का चार्ज है, तो इसको खोलने में काफ़ी रिस्क हो सकता है, ये बैटरी फट भी सकती है, तो मैं इसको रहने देता हूँ। इसके सिवा मेरे पास ये जियो की बैटरी है, ये भी लिथियम आयन बैटरी और ये भी लिथियम आयन बैटरी है, तो इसको मैं खोल के दिखाता हूँ क्योंकि ये अभी डिस्चार्ज है। तो इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है किस तरह का होता है। मैं पहले आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। मैंने 20 वोल्ट DC पे सेट कर दिया है और फिर मैं यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ इसको। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी में, इसमें मैंने मल्टीमीटर को कनेक्ट किया है, देखिए आप देख सकते हैं ये बैटरी फुल डिस्चार्ज है। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर अभी भी चार्ज है दोस्तों। मैं यहाँ से जब काट रहा था इसके अंदर स्पार्किंग हो रहा था, तो ये बैटरी फट भी सकती है, तो मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता दोस्तों, तो मैं इसको अभी रहने देता हूँ। देखिए, मैं इसके अंदर चेक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर अभी भी चार्ज है, तो मैं इसको खोल के रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो आप ऐसा घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि ये बैटरी जो होती है लिथियम आयन बैटरी काफ़ी डेंजर होती है, फंस सकती है। तो मैं जो करता हूँ वो तो सेफ्टी के साथ करता हूँ, तो आप ऐसा घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो चलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। आप इसके ऊपर देखो, इसके अंदर आपको तीन टर्मिनल देखने को मिलेंगे, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस और ये बीच वाला होता है वो BSI का होता है दोस्तों। इसका यूज़ जो होता है हमारे मोबाइल में, ये जो हम जब मोबाइल को चार्ज लगाते हैं तब जो मोबाइल को और इंडिकेटर दिखाता है बैटरी चार्ज का, वो इसी BSI के टर्मिनल की वजह से दिखाता है, तो इसका इसी के लिए यूज़ होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दो ही टर्मिनल देखने को मिलेंगे, एक ये प्लस और ये माइनस, ये दो ही टर्मिनल देखने को मिलेंगे। बाकी यह जो मॉडिफिकेशन इसके अंदर होता है, इसके अंदर जो बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट होती है वहाँ से ये बीच वाला टर्मिनल वहाँ से दिया कनेक्शन किया होता है, लेकिन इसके नीचे देख लेते यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्मिनल होगा जो कि प्लस और माइनस होता है। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। मैंने कुछ इस तरह से तोड़ दिया है, पहले इसके अंदर जो प्रोटेक्शन सर्किट है
उसको खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने खोल लिया है, देखिए कुछ इस तरह का इसके अंदर प्रोटेक्शन सर्किट होता है दोस्तों। ये जो बैटरी को ओवर चार्ज भी नहीं होने देता और ओवर डिस्चार्ज भी नहीं होने देता। अगर हमारी बैटरी ओवर डिस्चार्ज हो जाती है, हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है, तो इसका रीज़न सिर्फ यही होता है, अगर ये हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है वो ख़राब हो जाता है प्रोटेक्शन सर्किट, तो हमारा बैटरी वो ख़राब हो जाता है। इसको मैं साइड पर कर देता हूँ, फिर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। इसके दो प्लस माइनस टर्मिनल, उसके मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर बैटरी का अभी भी चार्ज है कि डिस्चार्ज हो चुकी है। तो गाइस ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, तो इसको खोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए मैं इसको खोल के देखा हूँ, पहले मुझे इसको काटना पड़ेगा, तो मैं पहले इसको काट लेता हूँ क्योंकि ये भी पूरी तरह से चारों ओर से सील्ड है, तो इसके खोलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं इसको पहले 100 फ्रेम से काट लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनल गाइस काफ़ी तोड़ फोड़ करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो सेफ्टी कवर था उसको खोल दिया। देखिए इसके अंदर से ये निकला है, काफ़ी तोड़ फोड़ काट कूटने के बाद मैं इसको खोल पाया हूँ। तो चलिए मैं इसके ऊपर और एक लेयर है उसको खोल देता हूँ। देखिए इसमें कितने सारे लेयर से है, देखिए गाइस ये इसका टर्मिनल है और मैं इसको लेयर को खोल लेके दें। देखो ये जो बैटरी है काफ़ी लेयर, काफ़ी जो ये प्लास्टिक के लेयर उसके साथ बनी है, कुछ इस तरह का इसमें मटेरियल है। देखो इस पट्टी का एक कुछ इस तरह का मटेरियल है जिससे ये बैटरी पूरी बनी हुई है। मैं इसको पूरा लेयर खोल के दिखाता हूँ आपको। ओ माय गॉड, देखिए गाइस इसमें कितने सारे लेयर्स है, मैं जितना खोलने की कोशिश करूँ उतना ज़्यादा ही उसमें से लेयर्स बाहर निकल आए। इसकी जो स्मेल है वो अजीब तरह दोस्तों, इस तरह का देखिए गाइस कुछ इस तरह का, देखिए कितना लंबा ये पूरा लेयर बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सोलह लेयर से पूरा बैटरी बना था। देखिए जो जब हम इसको बैटरी को देखते तो ये कितनी पतली सी दिखती है, लेकिन हम इसको अंदर से जो ये फोल्ड हुई जो ये पट्टी इसको खोलते तो ये देखा कितना लंबा दिख रहा है। देखिए गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, कभी आपने यकीन किया होगा कि एक मोबाइल की बैटरियाँ इस तरह से बनी हुई होती है, इसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर जिसको मैं हटाता हूँ। देखिए गाइस मैंने कुछ इस तरह से इसका जो प्लास्टिक का लेयर उसको हटा लिया, फिर इसके अंदर जो ये कॉपर का देखो कुछ इस तरह का है और इसके अंदर भी कुछ इस तरह का है, इसके अंदर भी स्क्रैच, अगर मैं इसके अंदर स्क्रैच करूँगा तो इसके अंदर भी कॉपर ही निकलता है। तो ये पूरा पट्टी कॉपर का बना हुआ है। देखिए गाइस इसके नीचे के साइड भी देखिए कुछ इस तरह से, ये एक लेयर हो गया गाइस, ये एक लेयर और इसके ऊपर कुछ इस तरह का प्लास्टिक का, ये दो लेयर से बना था ये पूरा, और इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा हुआ है। आपने कभी सोचा था कि एक मोबाइल की बैटरी में कुछ इस तरह का होता है? अभी मैं आपको एक रिएक्शन देखने वाला हूँ दोस्तों, इसको मैं पानी के अंदर डाल के देखता हूँ, फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या रिएक्शन आने वाला है। तो मैं इसको पानी के अंदर डाल के दिखाता हूँ आपको। मैं कुछ इस तरह से पानी लेके आया, इसके अंदर मैं इसको डालूँगा, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आने वाला है। गाइस आप देख सकते हो इसने आग पकड़ ली। तो गाइस जैसे मैंने इसको पानी में डाला इसने आग पकड़ी दोस्तों, और इसके ऊपर जो कार्बन का कोटिंग था वो भी निकल गया। ये पूरा कॉपर का देखो, ये पूरा कॉपर का स्ट्रिप है वो बाहर निकला है, हम देख सकते हैं। तो आपने देखा कि एक मोबाइल की जो लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो मेन पार्ट था वो यही था दोस्तों। इसको मैंने पानी में डाला तो आग पकड़ी, मुझे भी मालूम नहीं था कि ये ऐसा भी होगा। चलिए गाइस मैं दूसरी बैटरी उसको भी खोल के दिखाता हूँ। तो फाइनल गाइस आप देख सकते हो कि मैंने ये चार बैटरी को मैंने खोल लिया कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। देखिए ये लीड एसिड बैटरी जिसको मैं ओपन करना बाकी, इसको ओपन कर देता हूँ। देखो देखिए इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, देखिए ये लीड एसिड बैटरी है। ये हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसके ऊपर ये जो कैप है इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये इसके ऊपर कैप है और यहाँ पे जो रबड़ की दो कैप है यहाँ से हम एसिड को डाल सकते हैं, और एसिड डालने के बाद ये फिर से रिपेयर हो जाती है। इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरह का है, देखिए गाइस इसके अंदर और भी दो लेयर पड़े हैं।
इसको मैंने कुछ इससे तोड़ लिया, देखिए गाइस ये इसके ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर था वो ही है, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। और इसके ऊपर देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दो टर्मिनल लगे हुए अंदर के साइड, जिसका इसका जो मेन पार्ट है ये यही है दोस्तों, कितनी आसानी से टूटता है, ये चॉकलेट की तरह दिखता है देखिए। और इसके ऊपर जो ये इंसुलेशन लगा है देखिए गाइस, इसके ऊपर कागज का कुछ इस तरह देखिए, इस तरह की कागज का इंसुलेशन लगा है देखिए। बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये दो मेन टर्मिनल ये यही है देखिए। सारा स्क्रैप हो गया देखिए, देखिए इस तरह का इसमें भी एक टर्मिनल था वो मैंने तोड़ दिया, तो दो टर्मिनल थे इसके, दो टर्मिनल के बीच में हम इसके अंदर एसिड डालते तो इसके दो टर्मिनल के बीच में जो रिएक्शन होता है इसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो मैं इसको साइड पे करा था। अब मैं दूसरी बैटरी भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। और ये जो है हमारी दूसरी लिथियम आयन बैटरी है जो लैपटॉप की बैटरी में आती है, और पावर बैंक में अंदर जो बैटरी आती है वो उसको मैंने ये खोला, तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है देखिए। इसका जो ऊपर का सेफ्टी कवर था वो मैंने निकाल लिया है, और इसके अंदर कुछ और इसमें खोलना बाकी है थोड़ा सा। फाइनल गाइस ये लिथियम आयन बैटरी, इसको मैंने खोल लिया है कुछ इस तरह से, इसके ऊपर का प्लास्टिक का जो ऊपर का सेफ्टी कवर था वही थे जो हमने मोबाइल की बैटरी खोली थी लिथियम आयन बैटरी, उसी तरह का इसमें भी स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें राउंड शेप में, उसमें रेक्टेंगल शेप में था, ये राउंड शेप में है। उसको बनाने का मेथड वो सेम है दोनों मोबाइल दोनों बैटरी में। ये काफ़ी लेयर के साथ बनी हुई है, पहले इसको खोल देता हूँ। तो फाइनल गाइस आप देख सकते हैं कि ये लिथियम आयन बैटरी, इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं, कुछ सारा स्ट्रक्चर इस तरह का ही है, जिस तरह के एक मोबाइल की बैटरी में था उसी तरह का स्ट्रक्चर है इसमें, क्योंकि दोनों ही बैटरी लिथियम आयन बैटरी है दोस्तों। तो गाइस आप देख सकते जो राउंड शेप की जो लिथियम आयन बैटरी थी उसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, ये उसी तरह का स्ट्रक्चर जैसे जिस तरह से हमने जो मोबाइल की बैटरी में निकाला था वही उसी तरह का था, इसका जो बनाने का मेटेरियल उसी तरह का था, लेकिन ये राउंड शेप में था और उसमें जो रेक्टेंगल शेप में था फर्क बस इतना ही है, तो इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ, फिर दूसरी बैटरी को खोल के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इसके बाद आती है हमारी एवरीडे की नॉन रिचार्जेबल बैटरी, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। फाइनल गाइस इस तरह का इसके ऊपर कैप था वो मैंने हटा दिया है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है उसका, और इसके अंदर सेंटर में कुछ इस तरह की लीड लगी हुई है देखिए। मैं इसके ऊपर के कवर को हटा देता हूँ, देखिए ये जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है जो इसके ऊपर लगा था, तो सेंटर का जो बाहर का ये जो प्लास्टिक का देख रहे हैं ये लेयर, इसके बाहर का जो ये लेयर है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, और ये इसके बीच का जो टर्मिनल है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। चलिए मैं इसको और से अंदर से खोल के दिखाता हूँ। तो ये बीच का लीड का टर्मिनल वो मेरे से निकालते निकालते टूट गया, तो ये बीच का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये इसके आजू बाजू का जो ये टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस यही है इसमें। तो ये कौन सा मटेरियल मुझे खुद भी नहीं मालूम दोस्तों, तो मैं इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखा दिया, इसका मटेरियल कौन सा है आपको पता है तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताना। और इसके बीच का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये, और इसके आजू बाजू ये वाला मटेरियल था, तो यही था इसके अंदर का स्ट्रक्चर गाइस। उसके बाद हमारी आती है लास्ट बैटरी जो कि निकल मेटल हाइड्राइड,
NIMH बैटरी थे वो है ये वाली बैटरी, इसके ऊपर का देख सकते हैं कुछ इस तरह का, ये वाली बैटरी है, डीएसएल बैटरी थी उसकी, उसमें जो जिस तरह का स्ट्रक्चर था इसमें भी मुझे कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। गाइस सबसे जो आसान काम था बैटरी खोलने में यही बैटरी मुझे लगी, इसके अलावा जितनी बैटरी थी सबको खोलने में मुझे बहुत टाइम लगा दोस्तों, और बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। देखिए इसके अंदर ये खाली है, इसके ऊपर सेफ्टी कवर है, और इसके अंदर दो इस तरह का लेयर है। देखिए देखिए ये जाल टाइप एक टर्मिनल है, और इस तरह से इसको लपेटा हुआ था। देखिए ये एक जाल टाइप का एक लेयर था इसके ऊपर, और इसके बाद ये दूसरा लेयर था कुछ इस तरह का, और इसके ऊपर कुछ तीसरा लेयर था, एक दो और तीन लेयर से ये बैटरी बनी थी। देखिए ये जाली वाला जो अजीब सा है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो गाइस आपको ये पांच बैटरी में से कौन सी बैटरी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी का आइकन प्रेस कर देना। चलिए गाइस अगले वीडियो में फिर से मिलते, तब तक जय हिंद जय भारत।